मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नौकरी से निकाले गए 110 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में आयोजित बैठक में राज्य कर्मचारियों के एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संदीप बडोला एवं महामंत्री नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभान अली को मनोनीत किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों से आए कर्मचारियों ने बिना नोटिस दिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा 110 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर रोष प्रकट किया एवं इसके खिलाफ समस्त कर्मचारियों से एकजुटता का परिचय देते हुए उग्र आंदोलन किए जाने पर जोर दिया। बैठक में उपस्थित सफाई कर्मचारी संगठन के नेतागण ओमीलाल बाल्मीकि एवं रंजीत सिंह काका ने कहा कि यदि शासन प्रशासन द्वारा MBA से निकाले गए कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर नहीं बुलाया गया तो महानगर में सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शुक्रवार को कर्मचारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर इकट्ठा होकर धरना देंगे एवं वहां से जुलूस के रूप में अंबेडकर पार्क तक आएंगे। अंबेडकर पार्क से मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन दिया जाएगा। यदि फिर भी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो कर्मचारी सभी विभागों में 18 जनवरी से काली पट्टी बांधकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और अपने अपने विभागों में गेट मीटिंग आयोजित करेंगे। समन्वय समिति के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग से आए सैयद आसिफ अली ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों की कमेटियां गठित की जाएं और ये कमेटियां सांसद विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी से भेंट करेंगे, उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे और NDA द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को पुनः नौकरी दिलाए जाने का उन पर दबाव बनाएं। यदि इस पर भी सुनवाई नहीं होती तो कर्मचारी आगामी 22 जनवरी से पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे। बैठक में शिक्षा विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग, वाणिज्य कर, रोडवेज, स्वास्थ्य विभाग, तहसील एवं अन्य विभागों से आए कर्मचारियों ने MDA द्वारा 110 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उन पर निकाले जाने वाले फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की और MDA उपाध्यक्ष से अपने फैसले पर पुनः विचार किए जाने की अपील की। बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अरविंद वर्मा, जिला महामंत्री गोपी किशन एवं प्रदेश संगठन मंत्री राकेश कुमार शर्मा ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर सभी विभागों के कर्मचारी एकजुटता का परिचय दें, सभी विभाग एक साथ मिलकर आंदोलन करें। नगर निगम से आए हाफिज मोहम्मद अली वारसी ने कहा कि समय आ गया है कि कर्मचारी आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आए और एकजुटता का परिचय दें, तभी आंदोलन सफल होगा। बैठक में लिए गए निर्णयों के विषय में जानकारी देते हुए राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष संदीप बडोलो ने बताया कि समन्वय समिति के महामंत्री एवं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभान अली ने बैठक में लिए गए निर्णय के विषय में जानकारी देते हुए बताया। बैठक में विपिन कुमार, राकेश कुमार, नवेद, देवेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, ओमीलाल बाल्मीकि, रंजीत सिंह काका एवं हेमंत कुमार सहित अन्य विभागों के कर्मचारी व कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। हम लोगों ने जो वाइस चेयरमैन महोदया के द्वारा 110 कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाल दिया गया है, उस बाबत हम लोग निरंतर मीटिंगें कर रहे हैं और आज कलेक्ट्रेट में सभी सामान्य समिति के पदाधिकारी यानी कि मेरे अध्यक्ष और मैं महासचिव होने की हैसियत से यहां सभी संगठनों के पदाधिकारियों को हमने बुलाया और उनसे राय ली कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए इस संदर्भ में। तो सभी की राय ये सब सहमति से आपस में निर्णय हुआ है कि हम लोग 18, 19, 20, 21 जनवरी को हर विभाग में गेट मीटिंग करी जाएगी और 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद 21 तारीख को फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि उसमें क्या करना चाहिए, हड़ताल किस स्टेप पे होनी चाहिए। कल MDA में सभी लोग धरना देंगे, सभी संगठन के पदाधिकारी 10-10 अपने अपने विभागों से कर्मचारी लाएंगे जो कमिश्नर साहब के कार्यालय तक पहुंचेंगे और वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा हमारे और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगर ये 110 कर्मचारी VC महोदया वापस नहीं लेती हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारी अब उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसारित हो रहे हैं और महाहड़ताल का निर्णय फाइनल हो चुका है। 21 जनवरी के बाद पूरे मुरादाबाद के पूरे मंडल के कर्मचारी संपूर्ण रूप से हड़ताल कर लेंगे, जिसमें सारी जो मूलभूत जो सुविधाएं जनता को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम देता है वो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 110 कर्मचारी की जो सेवा समाप्ति की गई, और पिछले 10 दिन से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारी आंदोलन पर हैं, उनके समर्थन में आज एक आपातकालीन बैठक इस जनपद के समस्त राज कर्मचारी विभागों के तमाम संगठनों के नगर निगम कलेक्ट्रेट राज कर्मचारी संयुक्त परिषद राज कर्मचारी महासंघ सफाई कर्मचारी सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक यहाँ कलेक्ट्रेट मुशायरे में आयोजित की गई, और उसमें एक मत से निर्णय लिया गया कि इस जनपद का एक एक राज कर्मचारी, निगम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ है, और 110 कर्मचारियों की बहाली तक राज कर्मचारी उनके आंदोलन में अपने को जोड़ते हुए आंदोलन करने के लिए निश्चित रूप से तत्पर हैं। आंदोलन की क्या रूपरेखा बनाई है? कल 15 तारीख को इस जनपद के समस्त राज कर्मचारी, समस्त विभागों के कर्मचारी प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देंगे। धरने के पश्चात 2 बजे जुलूस की शक्ल में समस्त कर्मचारी वहां से आयुक्त महोदय के कार्यालय तक जाएंगे और आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन में मात्र 2 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया है, क्योंकि हम पहले भी आयुक्त महोदय जी को, जिलाधिकारी को और डीसी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, और उसमें 2 दिन का समय देकर अभी निर्णय ले चुके हैं कि अब इसमें बहुत देर नहीं करनी है। 110 परिवारों का मामला है, सोमवार से 18 तारीख से इस जनपद के प्रत्येक विभाग में 2 घंटे कार्य बहिष्कार रहेगा। कार्य बहिष्कार के दौरान हमारी समिति के पदाधिकारी प्रत्येक विभाग में गेट मीटिंग करेंगे। 18, 19, 20, 21 4 दिन का समय हमने प्रशासन को सांकेतिक आंदोलन करके दिया है कि हम चाहते हैं कि जनपद की स्थिति खराब ना हो, कोई ऐसी स्थिति जनपद में पैदा ना हो, जनता को असुविधा ना हो। हमने 2 घंटे कार्य बहिष्कार रखा है, और उसके पश्चात भी यदि 110 कर्मचारियों की सेवा बहाली नहीं की जाती है तो 22 तारीख से इस जनपद की सारी सेवाओं को ठप कर दिया जाएगा, सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उसमें चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे नगर निगम की वो तमाम सुविधाएं हो, चाहे सफाई की सुविधाएं हो, चाहे सिंचाई हो, वाणिज्य कर हो, पीडब्ल्यूडी हो, कलेक्ट्रेट हो, विकास भवन हो, समाज कल्याण हो, आरटीओ हो, सारे विभाग एक साथ 22 तारीख से पूर्णकालिक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्राधिकरण प्रशासन की, जिला प्रशासन की।